वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल बाय लालबाग गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज माई सेल्फ मिसेस डी तिवारी। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने संतुलित आहार के निर्धारक कारक में व्यक्ति की आयु और व्यक्ति के शरीर के आकार में आकार के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग का इसी में नेक्स्ट पॉइंट है लिंग भेद। भोजन के तत्वों की मात्रा एवं अनुपात को निर्धारित करते समय संबंधित व्यक्ति स्त्री या पुरुष का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। स्त्री एवं पुरुष के शरीर के आकार एवं उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम में अंतर होता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की गर्भावस्था में तथा स्तनपान के काल में भोजन संबंधी आवश्यकताएं सामान्य दिनों से भिन्न हो जाती है। अतः संतुलित आहार के आयोजन के समय इन तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है जलवायु। संतुलित आहार के निर्धारण कारकों में जलवायु भी एक आवश्यक कारक है। सामान्य रूप से ठंडी जलवायु में भोजन में ऊर्जादायक तत्वों का अनुपात अधिक होता है। गर्म जलवायु में व्यक्ति को पसीना अधिक आता है, अतः ऐसी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति खनिज लवण की समुचित मात्रा उनके भोजन में होनी चाहिए, क्योंकि उनको पसीना ज़्यादा आता है गर्म जगह रहने वाले व्यक्ति को, तो खनिज लवण मोस्टली पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। फिर है शारीरिक परिश्रम। बच्चों, अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के आहार में ऊर्जादायक तत्वों की मात्रा सामान्य से अधिक होनी चाहिए। सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को ही ऊर्जा प्राप्ति का उत्तम स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि अधिक श्रम करने वाले लोग गुड़ और शक्कर आदि की अधिक मात्रा ग्रहण करते हैं। कम श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में ऊर्जादायक तत्वों की मात्रा कम होनी चाहिए। यदि इस वर्ग के व्यक्ति अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ग्रहण करेंगे तो उनके शरीर का वजन बढ़ जाता है और वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और कई तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।